Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about self-image. Self-image refers to the mental picture or perception that one has of oneself. यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के बारे में किस तरीके के मेंटल पिक्चर को अपने मन ही मन में ड्रॉ करता है, उसी को हम self-image कहते हैं। वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी perception क्या है खुद को लेके, ये self-image में include होती हैं। ये कुछ बिलीव्स, कुछ थॉट प्रोसेस और कुछ फीलिंग्स को भी इंक्लूड करती हैं। खुद की एबिलिटीज़ क्या हैं, वो खुद कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस क्या है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है उसकी, ये सारा कुछ वो सेल्फ इमेज के थ्रू ही डिटरमाइन करने की कोशिश करता है अपने मन ही मन। इट प्लेस सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग बिहेवियर, सेल्फ एस्टीम एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। यानी कि बिहेवियर उसका कैसा होगा, ये शेप करने में सेल्फ इमेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सारी ही चीज़ें सेल्फ इमेज की वजह से ही इंटेंसिफाई होती हैं एंड सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी हद तक इसके द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती है। अब एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है, यानी कि उसके मन ही मन में अगर कुछ काम को लेकर के पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो वो कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा, इट विल मेक दैट पर्सन मोर कॉन्फिडेंट। वेयरएज अगर वो नेगेटिव सोचता है या कहीं भी बैकग्राउंड में मन ही मन में वो नेगेटिव बातें सोच रहा है कोई भी किसी भी काम को लेकर के, तो इट विल लीड्स दैट पर्सन टू इनएडिक्वेसी एंड इनकम्पिटेंसी। I hope the session was useful to you all. Thank you so much.